Hi learners, welcome to all of you. Today I am going to teach you an important tip for you to practice English, to speak English fluently. आम मैंने समस्ते जानते practice makes man perfect. जदि आम ठीक भाव practice करवा ताले सब किसी संभव तेणु आमको जदि इंग्राजी कहिबार अछि तेणु आमको कौन करिबाक पड़िबो ना प्रथम आमको प्राक्टिस प्रति ध्यान देबाक पड़िबो ताले द थिंग इज हाउ टू प्राक्टिस इंग्लिश इफ वी आर एमिंग टू स्पीक इन इंग्लिश टू स्पीक फ्लुएंटली जदि आम इंग्लिश फ्लुएंटली कहिबा ताले आम केमिति प्राक्टिस करिबा मु कहिबी जदि आपन पाखर केही सांग अछंती इफ यू हैव ए फ्रेंड और पार्टनर हु इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश देन इट्स अमेजिंग यू विल हैव ए गुड फ्लुएंसी इन स्पीकिंग बिकॉज यू विल हैव ए गुड प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड जदि आपन पाखर केही सांग नहंती आपन एकुटिया अछंती स्टिल I'm here with you to give a tip how to practice English and speak English fluently. Let's start. Prathama tips mu apanu kahibi apana ingraji kemiti practice karibe. Prathama tips mu apanu kahibi you just go to the mirror and stand in front of the mirror. Set a timer for 2 or 3 minutes and then choose a topic and start your speaking in English on that particular topic. Apna mirror agar thiya hebe 2-3 minute samay set kari niyantu ebong sei samay bhitare apan gote topic nijo manoru bachi niyantu ebong sei topic re 2-3 minute spontaneously kuhantu. Speak something on that topic spontaneously. It may happen you may get stuck on a word that is difficult for you. Imit hei pare apan gutiye shabda jota ki apan pai kashta apan seti atki jai paranti. Don't get worry. Never bother yourself. You try to manage to speak in different way. सही शब्द पाखरे आपण न अटकि जाई आपण किछि अन्य उपाय रे किछि कहिबाकू चेष्टा करंतु आई मीन यू टेक योर टाइम टू स्पीक आपण को समय नियंतु आपण को समय अनुसार आपण चिंता करंतु एवं कहंतु आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 or 3 minutes 2-3 मिनट सरीबा परे यू जस्ट रेक्टिफाई the problems you have. But one thing, you keep it in your mind at the time of speaking. You just pretend yourself as if you are talking to somebody standing in front of you. You just guide yourself. You just guide your face expression. You just guide your body language. You just guide your mouth expression. And then try to rectify yourself because nobody is there to rectify you apan setavale nije nijaro jone teacher nije nije ku rectify karantu chesta karantu nischit bhavare slowly and slowly you will be a great speaker जहाँ भी आपणकर असुविधा अच्छी निश्चित भाव में धीरे 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 परिवर्तन हो गोटे टीप्स मुझे कह से टीप्स को जीवा पूर्व मु गोटे कथा कह आम जोबले इंग्राजी कहते आमर से साधारणतः दुईटी असुविधा थाए से दुईटी असुविधा कौन द फर्स्ट वन इज वी हैव सम मेंटल डिफिकल्टीज इन थिंकिंग
मुंड भितर किछि चिंता करिवार किछि असुविधा थाए एंड द सेकंड थिंग इज वी हैव सम फिजिकल डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग किछि फिजिकल डिफिकल्टीज रहिछि जेमिति कि हमर पाटी हमर ओठ हमर जीभ दे आर नॉट प्रॉपर ट्रेन्ड टू स्पीक इंग्लिश आज वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स आमे जेहेतु नेटिव स्पीकर नुहंती आमर पाटी मुह जीभ ओठ एमाने ठीक भावरे ट्रेन्ड नुहंती जोथिपाई कि आमे इंग्राजी कहिला बेले शब्द गुडीकु ठीक भावरे प्रोनाउंसिएशन करिवारे निश्चित भावरे आमर असुविधा हेबो तेणु आमको निजे निजकु गाइड करिवाकु पडिबो निजे निजकु देखिवाकु पडिबो The second thing I would like to give you an important tip that is you have to read English text loud इंग्राजी को आपण को पाटी करी पढ़िबा को पड़िबो जदि इंग्राजी को आपण पाटी करी पढ़ुछंती ताहले कौन हबो दोज पर्टिकुलर वर्ड्स विल रीच योर हेड विल रीच योर माइंड and it will be memorized by you after some days kichhi din pare sei shabd gudiko apanko mone bhitare rohi jibo jodi apan pati kari ingraji paduchanti tenu mu kahibi take some time out of your day and you just go through the english text aloud pati kari ingraji apan padhantu jemiti ki apan kano सुनी पारिबो जदि आपण किछि कोनोसी शब्दर प्रोनाउंसिएशन रो किछि असुविधार सम्मुखीन होउछंती परवर्ती समय रे सेई जो असुविधाटा आपणकर निश्चित भाबर दुरीभूत हेजिबो बट यू हैव टू रीड इंग्लिश टेक्स्ट लाउडली तेणु आपण मानको मु आज जो इम्पोर्टेंट टिप्स कहली से टिप्स मु आशा करूछि निश्चित भाव मन रखिथे प्रथम टिप्स मु कहली कौन करिवे ना गो टू द मिरर एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सेट अ टाइमर फॉर 2 or 3 minutes एंड टॉक समथिंग ऑन ए टॉपिक ऑफ योर ओन निज अनुसार किसी टॉपिक स्थिर करके कहिवे सेकंड थिंग आई एडवाइज यू टू गो थ्रू द इंग्लिश टेक्स्ट लाउडली इंग्लिश से आपण पाटी करी पढ़िबे निश्चित भाव रे आपणकर इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो जिवो आपण मध्य इंग्राजी भल कहिबा आरंभ करिवे तेणु देखा हबो परवर्ती वीडियो रे जदि आपण माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करिनांती आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट Bye-bye. See you next time.